हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आप लोग का WBJEE का काउंसलिंग चल रहा है, आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चल रहा है, काउंसलिंग भी आप लोग का चल रहा है, यानी चॉइस फिलिंग अभी आप लोग कर सकते हो फर्स्ट और सेकेंड राउंड का। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कॉमेंट्स कर रहे थे कि भैया मेरे को इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को अब क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए डेडिकेट वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ है, कुछ अदर प्रॉब्लम भी है, तो हमारे एक्सपर्ट्स का भी नंबर प्रोवाइड किया गया है आपके स्क्रीन में, तो जिससे हमारे एक्सपर्ट से भी आप लोग बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे उसका सलूशन, ठीक है। और अगर किसी भी कॉलेज का अगर आप लोग को इंक्वायरी करना है, एडमिशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म जरूर से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का, आप लोग का चॉइस फिलिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपना यूजर एप्लीकेशन नंबर, आप लोग का रोल नंबर, पासवर्ड देके क्या करना है आप लोग को अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है। फिर आपके फोन में आएगा OTP, उसे आप लोग कर लेना आप लोग का पूरा प्रोसीड्यूर स्टार्ट। फिर जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पर आप लोग को टोटल अवेलेबल चॉइस दिखाएगा, आपके रैंक के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। आपका जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना आप लोग के पास चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद साइड में देखो आप लोग को दिखाएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन को आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग को दोबारा पासवर्ड जो है ना आप लोग को दोबारा लिखना है, सबमिट करना है। उसके बाद आप लोग को एक टाइम मिलेगा आप लोग का 4.5 मिनट का, उसी के अंदर आप लोग को चॉइस फिलिंग करना, नहीं तो फिर से टाइम एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉग आउट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग पासवर्ड दे दोगे उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा आप लोग को ऐड करने का, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, एक्शन, ऐसे आप लोग को ऐड करने का ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो, साइड में देखो आप फिल्टर भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट टाइप में जाके फिल्टर कर सकते हो। आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी, तीन ऑप्शन आप लोग के पास रहेंगे। फिर आप लोग फिल्टर कर सकते हो इंस्टीट्यूट में जाके, सपोज किसी के कॉलेज के बारे में अगर आप लोग को सर्च करना है डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट में जाके सर्च कर सकते हो, आलिया यूनिवर्सिटी हो गया, हैव यूज इन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, कोई भी आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड में एक और फिल्टर आप लोग को प्रोग्राम में मिलता है, ठीक है, जिसमें आप लोग कोई भी प्रोग्राम आप लोग सर्च कर सकते हो, कंप्यूटर हो, ये कोर हो, नॉन कोर हो, एक्सेट्रा, ये सब आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपली ऐड करना है, ठीक है। कोई भी सपोज अगर आप लोग को कोच बिहार का अगर सिविल इंजीनियरिंग ऐड करना है तो आप लोग सपोज ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे आपके दूसरे साइड में वहां पर आप लोग को दूसरे बॉक्स में जो है वो आप लोग को शो करेगा कि यहाँ पर आप लोग का ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके फिर आप लोग उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो, कोई चॉइस अगर आप लोग को ऊपर करना है, नीचे करना है, वो भी आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। वो आप लोग को शो करेगा, अप एंड रिमूव भी कर सकते हो, अप एंड डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। जो कॉलेज आप लोग को लगता है कि ये कॉलेज मेरे को मिल ही जाएगा इस रैंक में, वो आप लोग को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। जो कॉलेज में अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये लास्ट तक हमको मिलेगा, वो कॉलेज आपको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। जो कॉलेज एकदम 100% श्योर है कि एकदम मिल जाएगा, वो सबसे नीचे रखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसी को सबसे ऊपर रख लिए, ऐसे करोगे तो वहीं पर लॉक हो जाएगा और नीचे जाएगा ही नहीं आप लोगों का। तो सबसे पहले जो कॉलेज आपको लगता है कि 100% मेरे को इस रैंक मिल जाएगा, उसको आपको सबसे नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चॉइस लॉक कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी चॉइस लॉक मत करना, सब कुछ आगे देख लेना, उसके बाद ही आप लोग चॉइस लॉक करना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कोई भी डाउट हो रहा है तो हमारे एक्सपर्ट से आप लोग बात करो, नंबर दिया गया है, और डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म जरूर भरो, हमारे एक्सपर्ट से पूछो। बहुत सारे कॉलेजेस का भी सीट खाली है कंप्यूटर साइंस में, तो ये कुछ मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो।